राधे राधे दोस्तों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि अष्टासुर सभी वृंदावन वासियों को हानि पहुंचाना चाहता है और उसका इसी जगह पर मैं वध करूंगा। तो राधा कहती है उसे कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि वह उचित प्रकार से हमें ढूंढेगा और यहाँ पर आएगा। इसके बाद श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। इसके बाद आप सब देखेंगे कि तब इसके बाद अरिष्टासुर कहता है कि मुझे राधा और कृष्ण को ढूंढना ही होगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। तभी वहाँ पे बलराम आता है और कहते हैं ये क्या तुम वहाँ वृंदावन में नाटक करोगे और मेरे राधा और कृष्ण को तुम वृंदावन से बाहर निकलवा दोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुम यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। देखता हूँ तुम कैसे यहाँ से बाहर जाते हो। तुम्हारी बहुत इच्छा थी ना वृंदावन में आने का, अब मैं तुम्हें वृंदावन में ही रहने दूंगा और तुम्हारे जीवन ना नर्क बना दूंगा। तब अरिष्टासुर बलराम से कहता है कि देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो इस साधारण रस्सी से बांध कर। तभी बलराम आदि से इसका आवाहन करता है और उसे उसी से बांध देता है और अरिष्टासुर अपनी पूरी ताकत लगाता है आदि से इससे बाहर निकलने के लिए, लेकिन वह आदि से इससे बाहर नहीं निकल पाता है। तभी बलराम कहते हैं अरिष्टासुर से अब निकल गई तुम्हारी हवा, और जोर लगाओ अरिष्टासुर, इतने बल से कुछ नहीं होने वाला है। तब अरिष्टासुर कहता है कि प्रतीत होता है राधा और कृष्ण की तरह बलराम को भी वृंदावन से भगाना होगा और यह मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालेगा जब तक कि मैं इसे वृंदावन से बाहर नहीं निकाल देता। तभी अरिष्टासुर तेज तेज से चिल्लाने लगा। तब बलराम अरिष्टासुर से कहता है कि तुम्हें जितना भी उलझना चिल्लाना है चिल्ला लो, किंतु मैं अब तुम्हारे इस नाटक में किसी को फंसने नहीं दूंगा। और बलराम कहते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे और तू यहीं पर सड़ता रह जाएगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि और अरिष्टासुर के आवाज़ से सभी गांव वाले एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। तभी कृतिका माँ यशोदा से कहती कि ये बल वापस से क्यों चिल्ला रहा है, कहीं वापस से कोई समस्या तो नहीं आ गई। और सभी बैल के पास आने लगते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि राधा श्री कृष्ण से कहती है कि दाऊ ये क्या कर दिए। नंद बाबा और माँ यशोदा फिर से बलराम के ऊपर क्रोधित होंगे, हमें दाऊ की सहायता करनी पड़ेगी। तब श्री कृष्ण कहती है नहीं राधा, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, चिंता त्याग दो राधा, दाऊ ने अपना कार्य कर दिया है, बस अब प्रतीक्षा है कंस मामा की। मुझे भी प्रतीक्षा है कि अष्टासुर वृंदावन से कब बाहर निकले। इसके बाद आगे देखेंगे कि माँ यशोदा और नंद बाबा और सभी वृंदावन वासियों बैल के पास आते हैं और नंद बाबा बलराम से कहते हैं कि ये बैल पुनः पीड़ित क्यों दिख रहा है, बलराम तुमने कुछ किया तो नहीं है ना। तभी दाऊ नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा मैं यहाँ पे था नहीं, मैं अभी आया आप सभी के पुकार सुनकर। तभी वहाँ पे कंस के सैनिक आते हैं और कहते हैं कि ये बैल इतना विलाप क्यों कर रहा है, कहीं इसको कुछ कष्ट तो नहीं पहुँचा है। तब नंद बाबा कहते हैं कि यहाँ सब ठीक है, सब कुशल मंगल है, आप बताइए कैसा आना हुआ, क्या महाराज कंस ने आपको भेजा है कोई संदेश लेके। तब सैनिक कहते हैं कि महाराज कंस की तपस्या समाप्त हो गई है, महाराज कंस गाय और बैल को वापस लेना चाहते हैं, सत्य में ये आपका हमेशा आभारी रहेंगे।